अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अबशर सऊदी न्यूज़ के साथ एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है, ये जो सऊदी अरब के अंदर 2018 के अंदर 400 रियाल का एक्सपेक्ट लीवी टैक्स लगने जा रहा है, उसके हवाले से है। सऊदी अरब की जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, उसने कल ही अनाउंसमेंट की है, जिसके अंदर कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ये 400 रियाल का सऊदी जो टैक्स है नया, ये नहीं लगेगा उनके कामे के ऊपर। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर उन्हीं लोगों के बारे में बताऊंगा कि वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ये 400 रियाल का जो नया सऊदी टैक्स है वो नहीं लग रहा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, हो सकता है जो आपका एक कामे के ऊपर प्रोफेशन है या जो आपकी जॉब कैटेगरी है वो इसके अंदर हो और आप भी जो है इस 400 रियाल के जो नया टैक्स है इससे बच सकें। जी तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया कि आज हम बात करने जा रहे हैं सऊदी अरब की जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, जिसको वजारत अमल भी कहते हैं, उसने कुछ ऐसी कैटेगरीज का ऐलान किया है कि जिनके ऊपर जो सऊदी हुकूमत की तरफ से नया जो 2018 के अंदर 400 रियाल का टैक्स लगने वाला है वो नहीं लग रहा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको उसी कैटेगरी के लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ये 400 रियाल का टैक्स नहीं लगेगा और उनको जो है वो इस 400 रियाल के टैक्स से इस्तिस्ना हासिल होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट के हवाले से, उनके हवाले से ये एक ऐलान किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सोशल डेवलपमेंट किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। ये आप इसकी हेडलाइन पढ़ सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अनाउंस्ड एग्जेम्पशन ऑफ एक्सपेक्ट लीवी फॉर फ्यू कैटेगरीज। कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जो वेबसाइट है, जो उसका इदारा है, उसने ऐलान किया है कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि इस लेबर टैक्स से इस्तिस्ना जिनको हासिल है। आगे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा। द सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सोशल डेवलपमेंट विल एग्जेम्प्ट फॉलोइंग कैटेगरीज फ्रॉम एक्सपेक्ट वर्कर फी टू बी चार्ज स्टार्टिंग मंडे जनवरी 1। द मिनिस्ट्री सेड ऑन इट्स ट्विटर अकाउंट। कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने अपने ट्विटर के अकाउंट पर कहा है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर ये 400 रियाल का टैक्स नहीं लगने वाला। ये बात उन्होंने अपने ट्विटर के अकाउंट के अंदर कही है कि 1 जनवरी से जो टैक्स शुरू हो रहा है उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर ये 400 रियाल का टैक्स नहीं लगेगा। तो इसके अंदर जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है मेल एंड फीमेल एक्सपैट्स हु आर मैरिड टू सऊदीज। के ऐसे मर्दों खवातीन, यानी कि ऐसी गैर मुल्की खवातीन जिन्होंने सऊदी मर्दों से शादी कर रखी है, या ऐसे जो है गैर मुल्की मर्द जिन्होंने सऊदी औरतों से शादी कर रखी है, तो उनको भी जो है इस 400 रियाल के टैक्स से इस्तिस्ना हासिल होगा, उनके ऊपर ये टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद जो दूसरी चीज आ जाती है, डिपेंडेंट्स ऑफ सऊदी मूवमेंट मैरिड टू एक्सपैट्स, यानी कि ऐसी सऊदी खवातीन जिन्होंने खारजियों के साथ शादी कर रखी है, तो उनके जो बच्चे हैं वो भी इस टैक्स से मुस्तस्ना होंगे, उनको भी जो है ये 400 रियाल का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद तीसरी चीज जो है, माइक्रो एंटरप्राइजेस विद अप टू 5 वर्कर्स। ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है जो आजाद काम करते हैं, आजाद वीजे वाले हैं, उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि ऐसे मुसस्से या ऐसे लोग जो कफील के साथ काम कर रहे हैं और उनके उमाल की तादाद जो है 5 वर्कर्स तक है या 5 वर्कर से कम है, तो उस मुसस्से के ऊपर या उस कफील के ऊपर भी जो है वो 400 रियाल का टैक्स नहीं लगेगा। तो आप भी इस चीज को गौर से देखें कि अगर आपके जिस कफील के साथ आप काम कर रहे हैं, अगर उसके उमाल की तादाद जो है वो 5 या 5 से कम है, तो कहीं वो आपसे 400 रियाल इजाफी तो नहीं ले रहा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से आपके ऊपर जो है वो ये टैक्स नहीं है। इसके अंदर जो चौथी चीज है, लेबर फोर्स एट रिक्रूटमेंट एजेंसीज फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स। कि ऐसे जो मकतब इस्तेमाल हैं जो कि डोमेस्टिक वर्कर्स का काम करते हैं लाने के लिए मुमलिकत के अंदर, तो उनके ऊपर भी ये जो 400 रियाल का टैक्स है वो नहीं लगेगा। नेशनैलिटीज विद रेजिडेंसी रिलीफ। कि कुछ ऐसे ममालिक भी हैं, आपको पता है सऊदी अरब ने जिनको अपने वीजे जो हैं वो फ्री दे रखे हैं, फ्री एंट्री दे रखी है, जिसके अंदर जो है म्यांमार जो आते हैं, जो बर्मा के हैं रिहायशी, उसके बाद तुर्किस्तानी पीपल्स हैं, फलस्तीनी लोग हैं जो कि मसरी पासपोर्ट होल्ड करते हैं, जिनके पास मसरी पासपोर्ट है, और उसके अलावा ऐसे पाकिस्तानी जो कि बलोच नेशनलिटी से काफी ज्यादा टाइम पहले सऊदी अरब के अंदर आ गए थे, तो वो लोग भी जो है उनके पास भी सऊदी अरब की नेशनलिटीज हैं, तो उनके ऊपर भी जो है ये जो 400 रियाल का लेवी टैक्स है ये नहीं लगेगा। उसके बाद छठा नंबर पे जो है, ऐसे लोग जो GCC के नेशनल्स हैं, यानी कि जो गल्फ के इनका अपनी इसकी तंजीमें हैं, जितने गल्फ ममालिक हैं उनके लोग जो उनके नेशनल हैं, एंड ओनली 4 वर्कर्स इन स्मॉल एंटरप्राइजेस, और ऐसे मुसस्से, ऐसे शिरके, ऐसे कफील जिनके उमाल की तादाद 4 है, तो वो भी जो है उनके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके ऊपर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ऐसी कंपनीज या ऐसे मुसस्से जिनके उमाल की तादाद 9 है,
जिनके माल की तादाद 9 तक है उनमें से जो है वो 5 लोगों का टैक्स जो है वो पे करेंगे कफील, लेकिन जो 4 लोग होंगे वो उसको फ्री होंगे। ये खुशखबरी स्पेशली उन आजाद वीजे पे काम करने वाले भाइयों के लिए है जिनके कफील या जिनके मुसस्सों में माल की तादाद जो है वो 9 है या 5 है। 5 वाले जो है उनको बिल्कुल फ्री है, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। और उसके अलावा जो ऐसी कैटेगरी ऐसे मुसस्से जिनके माल की तादाद 9 है तो उनके अंदर उनको सिर्फ 5 लोगों का जो है वो टैक्स देना होगा ₹400 इजाफी, लेकिन जो बाकी 4 लोग होंगे वो बिल्कुल फ्री होंगे, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी आज की खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। मैं आपको बताना चाह रहा था कुछ ऐसी कैटेगरीज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का ये नया ऐलान कि आप लोग सब लोगों का भी जो है वो रहनुमाई हो सके। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये बात पहुंच सके, और कमेंट करके नीचे आप कोई भी सवाल है, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं, या किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप उसके हवाले से भी कमेंट करके वो चीज़ पूछ सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की जो अनुवादी वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ सऊदी अरब के हवाले से, नए नए कवानीन के हवाले से, उनकी मालूमात जो है वो आपको मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।